नमस्कार आप सभी को। आज के स्टूडियो में हम देखेंगे एक नई वैकेंसी जहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई हुई है। लगभग आपके 109 पोस्ट है और यहां पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो क्लिक किया है लाइब्रेरियन जॉब्स के लिए तो बिल्कुल आप रिसेंटली पोस्ट की हुई वीडियोज़ को भी देख लेना, जहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है या नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है या फिर लाइब्रेरी से रिलेटेड है। और इसका जो टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरियन जॉब्स का, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हर एक छोटी बड़ी वैकेंसीज की जानकारी मिलती रहती है। शॉर्ट नोटिफिकेशन हो, प्राइवेट जॉब हो, जो जैसी भी वैकेंसीज आती रहती है तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका जो है IIT पटना का है। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर के, यहाँ पर अगर हम बात करें लाइब्रेरियन के लिए तो डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसके अलावा लाइब्रेरी की आपकी सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। और भी यहाँ पर जो अदर अगर पोस्ट की बात है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट है, मल्टी स्किल्ड की, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर 109 पोस्ट है। सभी की यहाँ पर जो पे लेवल है वो मेंशन किया हुआ है, मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन की हुई है। ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट भी यही है। 20 अप्रैल से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है शुरू हो चुके हैं। ये आपकी इनकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन की हुई है। लाइब्रेरियन के लिए अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ऑप्शंस साथ में आपका इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस भी जो है इंक्लूड किया हुआ है, एविडेंस इनोवेशन लाइब्रेरी साइंस, तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जो लाइब्रेरी की एक और पोस्ट है, तो ये आपकी पोस्ट है, पोस्ट कोड 10 है, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। एक पोस्ट है यहाँ पर बिलिव, या फिर आपकी जो बिलिव इंफॉर्मेशन साइंस में इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो, और साथ में रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का आफ्टर क्वालिफाइंग डिग्री के बाद में। फॉर एप्लीकेंट्स विथ मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो इक्विवेलेंट आपकी 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, और नॉर्मल ड्यूरेशन जो यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम है वो आपका वुड बी काउंटेड 2 आवर्स एक्सपीरियंस। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका जो बिलिव अगर आपके पास है तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपका डिग्री के बाद होना चाहिए। इसके अलावा हम नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करें तो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, साथ में आपकी फ़ी भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। SC, SC, PWD विभिन्न कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फ़ी यहाँ पर नहीं। इसके अलावा जो फ़ी है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से भी आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको जो अपनी हार्ड कॉपी है वो भी यहाँ पर आपको जो नहीं जमा करानी है तो वो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हार्ड कॉपी जमा कराने को बोला जाता है लेकिन यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं कि आपको हार्ड कॉपी जमा करानी हो, तो वो भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा रिसेंटली पोस्ट की हुई वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, उनमें अभी लास्ट डेट अभी बची हुई है, ऑनगोइंग है, तो उनको भी आप ज़रूर देखें ताकि कोई भी आपके नियर बाई है या फिर जिसमें आप एलिजिबल हों उनमें आप बिल्कुल अप्लाई करने से ना चूके। थैंक यू।